नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हो बोले तो अटैक। दोस्तों, आज की इस रिव्यू सीरीज़ में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आयुषंग एपिसोड 7 में आए थे शार्क टैंक इंडिया सीज़न 2। ये पूरी रिव्यू सीरीज चल रही है, आप देखोगे ना डील बाय डील, एपिसोड बाय एपिसोड मैंने बहुत सारे रिव्यू किए हुए हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस रिव्यू सीरीज़ को देख रहे हो और इसको फॉलो कर रहे हो तो। अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट और लाइक कर सकते हो। एक मोटिवेशन मिलता है कि जिस टाइप की वीडियो बनने में, क्योंकि यार एपिसोड आता है, वीडियो बनाने में टाइम होता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, चीज़ें समझानी पड़ती हैं, सो इसमें टाइम तो जाता है, खुद समझ के समझानी पड़ती है पहले। तो चलिए बात करते हैं इस डील के बारे में, क्या सच में ये डील होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्या था ये प्रोडक्ट, और रिव्यू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलेंगे सीधे रिव्यू पे। इन्होंने बोला कि हमने एक स्टेटोस्कोप बनाया है जिसमें आप लोग रीडिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड करता है ये, और कोई भी डॉक्टर कहीं भी रिकॉर्ड करके किसी को भेज सकता है, कोई भी सुन सकता है इस चीज़ को कि भाई एक्यूरेसी है, हार्ट की जो हार्ट बीट है, रेट है, सब कुछ ठीक है। कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया में चेक कर सकते हैं। भाई ये बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया है, बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इसमें देखना बहुत सारे इनको फंडिंग तो ऐसे मिलने वाली है, और इनके जो प्रोडक्ट और सेल्स हैं वो तो ऐसे हाथों हाथ बिकने वाली है। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता इस प्रोडक्ट के बारे में, मैं भी नहीं जानता इस कंपनी के बारे में, हुआ क्यों, ये है टीवी का कमाल, ये है मार्केटिंग का कमाल, ये है शार्क टैंक इंडिया का कमाल कि इनको इतना फेमस कर दिया। लेकिन मुझे एक शिकायत है यार, ये जब भी कोई डील आती है, स्पेशली फार्मा वाली डील है, तो सारी की सारी नमिता जी ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो करते नहीं भैया, फार्मा की डील है, मेडिकल की डील है, तो यही डील करेंगे। सो इससे होता क्या है ना, जो बेटर ऑफर आ सकते थे ना वो नहीं आते। लास्ट सीजन में अश्नीर ने बहुत सारी डील्स इस तरीके से बचाई हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया है डायरेक्टली और डायरेक्टली। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। पति वो आए थे, रिकॉर्ड वाले आए थे, तो भैया नमिता ने बोला कि ये विनीता जी का कंपटीशन है, तो हम इस पर फंडिंग नहीं करेंगे। यार क्यों नहीं करोगे, आपको पैसा नहीं कमाने, दोस्ती यारी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्क्रिप्टेड या थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस है सारे के सारे शार्क्स। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है अब यार आप पैसे देने आए हो। सो इन लोगों की जो ओरिजिनल आस्ट थी ना वो थी 1 करोड़ 1.5 इक्विटी पे, तो 66 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बनती, और लेके कितना गए, 3.5 इक्विटी देखे गए हैं, 50 लाख लिए हैं, 50 लाख का उधार दिया है। यार ये क्या चल रहा है? चलो ठीक है, आपने डील ले ली, लेकिन इससे आपको फ़ायदा क्या? देखो फ़ायदा तो मिलेगा, कोई जितना एक्सपीरियंस नमिता जी को इस इंडस्ट्री में है उससे कितना मेरे ख्याल से कोई और उनको बेटर सा मेंटर नहीं मिल सकता। ये चार लोगों से मिलाएंगे, इनसे इनकी हेल्प हो जाएगी, बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं इनके सामने खुल जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली ये बिज़नेस बहुत चलने वाला है। और ये बिज़नेस बहुत ही स्केलेबल बिज़नेस है, इसमें पैसा 4 गुना 10 गुना 100 गुना होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें ये लोग पेटेंट लेके इसको आप लोग जैसे रॉयल्टी लेते हैं ना सिंगल्स लोग किसी भी परसेंट किसी भी चीज़ में, तो ये लोग ये भी कर सकते हैं, इससे बहुत इनको फंडिंग मिलने वाली है। आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का, नोटिस करना। तो जितने भी ये फाउंडर, जितने आप लोग नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जितने भी डील्स हो रही हैं कम वैल्यूएशन पे हो रही हैं, जितने भी फाउंडर्स जा रहे हैं, जितने भी ये लोग जा रहे हैं फंडिंग लेने, थोड़े से अंडर प्रेशर जा रहे हैं। भैया आपका दम, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत दम है, आप टीवी पे आ गए अपना अपने पूरा जमखम दिखा दे, अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, भैया बहुत करोड़ों लोग बैठे हैं जो आपको फंडिंग देने को तैयार हैं, शायद आपको इसी फंडिंग में इसी वैल्यूएशन में फंडिंग मिल जाती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने बोला कि ठीक है मुझे नमिता जी से फंडिंग चाहिए। शार्क टैंक का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको फंडिंग लेके ही आनी है, शार्क टैंक का मतलब ये है कि आपको अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी क्वालिटी को दिखाना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। बस वो एक मंच है अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टार्टअप को दिखाने का, अपने बिजनेस को दिखाने का, बाकी दैट्स इट। बहुत ही इनोवेटिव इन्होंने इन्वेंशन किया है, और ये बहुत ज़्यादा फंडिंग इनको मिलने वाली है आगे जाके। आपको क्या लगता है इस बिज़नेस के बारे में, इस डील के बारे में, ज़रूर लिखिएगा।